नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। रायपुर के गुढ़ियारी स्थित रमन मंदिर वार्ड चूनाभट्टी में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान सत्संग समारोह में देर रात आरोपी शेख सरवर ने नशे की हालत में आयोजन में खलल डालने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शांति भंग करने के इरादे से भगवान के आसन और महाराज के हारमोनियम सहित साउंड के सभी सामानों को नुकसान भी पहुंचाया। सूचना मिलते ही मोहल्लेवासियों ने शेख सरवर को पुलिस के हवाले किया। इस दौरान उस पर पुलिस और महिलाओं के साथ गाली गलौज करने का भी आरोप लगा है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, जिसका अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। कल चूनाभट्टी इलाके में महापुराण कथा हो रही थी, जो कि वहाँ पर एक मोहल्ले के ही एक लड़का नशे में जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ किया है, गाली गुप्तार किया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके उसकी रात में अरेस्टिंग किया गया है और उस पर जो है नियमितः कार्रवाई की जा रही है। हाँ, मोहल्ले के लोगों में आक्रोश था कि महापुराण वहाँ पर कथा चल रही है जिसमें जाके ऐसा ऐसा उसने किया है, इसलिए मोहल्ले के लोग थोड़ा आक्रोशित हैं उस पर, लेकिन पुलिस द्वारा जो है कानूनी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शेख नाम का व्यक्ति जो लगातार कुछ सालों से उपद्रव कर रहा है, धार्मिक उन्माद फैला रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है, इसने कल भागवत गीता को फाड़ा, पूरे जो वहाँ पर भागवत गीता हो रही थी तो पूरे पंडाल का तहस नहस किया और हिंदुओं को माँ बहन की गाली दी और बहुत गंदा गंदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उसने लगाए वहाँ पर। लगातार सालों से करते हैं, लोगों को डरा रहे, बड़ा भय का वातावरण उस क्षेत्र में बना हुआ है। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इसको प्राप्त है, इस प्रकार उसके हौसले बुलंद है। हमेशा वो उपद्रवी करते रहता है और उनका क्या है, महिला कई बार शिकायतें भी कर चुकी है फिर भी वो नहीं मानता है, जिससे कि पुलिस कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करे ताकि दोबारा ऐसा हरकत ना हो और उनका बढ़िया अच्छे से जुलूस निकाले ताकि उनको लगे कि हाँ कार्रवाई हुई है। इससे पहले क्या है, उनका काम ही पेशा ही ऐसा है इन लोग का कि मतलब थाना तो उनका घर के ही, जेल जो है उनका घर ही है ऐसा समझ लो इसी तरह से, और लोग यही चाहते कि इस राहत मिल जाए। खबर जी न्यूज़ के लिए रायपुर से कैमरा पर्सन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।